हमने कढ़ी चावल मंगाए हैं मस्त। सुलहन गुड मॉर्निंग यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है हमारी 7 बजे, और स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में आपका। बाकी यार आज फिर जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश किसी की गाड़ी लेके, इसलिए मैं सुबह ही आ चुका हूँ। टाइम हो रहा है अभी 7 बजे और गाड़ी मैंने यहाँ सामने में खड़ी कर दी है, और ईशानी लोग जैसे पार्लर आएंगे तो पार्लर की चाबी मैंने रवि को दे रखी है। तो टाइम से निकलते हैं फटाफट, जैसे वो आते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे रास्ते में। फिलहाल हम आगरा खाल पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे नाश्ता नुश्ता करेंगे जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे नाश्ता करेंगे उसके बाद निकलेंगे। आज थोड़ी सी थकान सी लग रही है, पता नहीं कि कल मैं जिम भी गया था तो मैंने बैक मारी थी तो उससे हल्का दर्द हो रहा है पीछे। चलो कोई नहीं, आज जाके कुछ और देखते हैं। बाकी ये देखो आगरा खाल में पहुँच चुके हैं, फटाफट नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से। पहले भी पराठा तो बोल दिया हमने, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी आज संतोषी भी आ रही चंडीगढ़ से, हेलो, तो शायद वो 4-5 दिन में पहुँचेगी ऋषिकेश, आज ऋषिकेश रुकेगी कल आएगी। तो भाई अपना नाश्ता आ चुका है, पराठे सब्जी है और ये रायता है और ये चटनी है। फटाफट नाश्ता निपटाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार नाश्ता नुश्ता हमने कर लिया है, अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से, आज 13 दिन जाना है हमें। देहरादून तो पहुंच गए थे लेकिन अब वापस जा रहे हैं, काम को निपट चुका है तो फटाफट निकलते हैं, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो भाई काफ़ी देर बाद सफ़र करने के बाद हम फिर से आगरा खाल पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने सुबह नाश्ता किया था, तो वहीं पे अब खाना भी खाएंगे यहाँ पे, आपको पता ही है जो ये होटल है। तो फटाफट पहले खाना पीना खाते हैं फिर चलते हैं। यार मुझे बहुत थकान लग गई आज, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और कल थोड़ा जिम मारी थी तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो फिर चलते हैं फटाफट खाना पीना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई हमने कढ़ी चावल मंगाए हैं, मस्त कढ़ी चावल खाएँगे आज। चलो भाई खाना वाना हमने खा लिया, अब निकलते हैं फटाफट और देखते हैं अब टिहरी जाके क्या होता है रास्ते का। वैसे मौसम बड़ा मस्त हो रखा है यार, अभी नीचे तो हमारे पसीने से हालत ख़राब हो रही थी, आप लोगों को पता है देहरादून में कितना गर्म होता है, लेकिन यहाँ मस्त कोहरा लगा हुआ, मज़ा आ रहा है एकदम ठंडे में। तो गाड़ी गुड़ी खड़ी करके अब जा रहे हैं अपनी दुकान में, बोराड़ी पहुंच चुके हैं, यहाँ स्टेडियम के पास तक आया था मैं, तो अब जा रहा हूँ फटाफट ऊपर दुकान में, दुकान लगाएंगे फिर बैठेंगे मस्त करके। वैसे ईशानी ने दुकान लगा रखी है बस, तो थोड़ा अच्छे से लगा देंगे। और थोड़ी सी थकान लग गई यार भाई। कालू काली क्या खाएगी भाई काली? ये देखो यार मेरे से डर रहे हैं लोग। चलो भाई सामान घर छोड़ दिया मैंने, गाड़ी भी घर गाड़ी कर दी है, तो अब हम जा रहे हैं जिम। भुट्टा खाया मैंने, मम्मी ने भुट्टा हुआ था, और अब चलते हैं पहले मंडी में केले लेते हैं 10 के, केले खाएंगे उसके बाद जाएंगे जिम करने। तो यहाँ से लेंगे हम केले। तो भाई केले ले लिए हमने, अब खाते हैं और चलते हैं फटाफट जिम, उसके बाद आधा 1 घंटा जिम करेंगे, उसके बाद चल जाएंगे मस्त घर, सो जाएंगे अपना आराम से। तो भैया अब हम घर जा रहे हैं फिलहाल जिम से, टाइम हो चुका है 10 बजने वाले, आज मैं 8:30 बजे आया था, लगभग 1.5 घंटा हमने जिम किया है,
तो आज थोड़ा मज़े आया जिम में। बाकी यार वेट क्या है आज, तो वेट मेरा सिर्फ 50 किलो है। खैर अभी स्टार्टिंग है मेरा, तो धीरे धीरे गेन होगा वेट भी। कोशिश करेंगे अपना वेट जल्दी बढ़ाने की, आलू वगैरह खाने की, अंडे वगैरह। बहुत कम हो गया यार वेट, 50 तो बहुत कम हो। खैर फिलहाल पहुँच चुका हूँ घर में, अब नींद आ रही बहुत ज़्यादा, सोते हैं और कल मिलते हैं अपने ब्लॉग में।